छेड़े अगर मत के बच्चों मैदान में आओ। चारों के चारों मैदान में आए, चारों ने निकाली छुड़ियां। अबे मैंने बोला रख छुड़ी अंदर, तेरा भाई छुड़ी से डरने वाला नहीं है। मेरा भाई छेड़ लगा। तेरे भाई की बहादुरी देख, रक्षे को हाथ दिया सीधा घर। मैं बोला निकलो भाई, इधर तो छुड़ी खाने वाला काम हो रहा। अबे भाई ये कैसी बहादुरी है? अबे ये किस बात की बहादुरी है? हैं, बहादुर तो तुमसे ज्यादा मैं हूं। क्या बहादुर है? अरे मैं तो इतना बहादुर हूं, मैं पूरा टपर खा जाऊं, टकार ना लूं। बेटे ये बहादुरी नहीं है, बदहजमी है। इसमें तो फुआरिन की गोलियां खा। वैसे इन बातों को छोड़, छोड़ दिया यार। मैंने सुना तो भाई शादी हो गई। अरे शादी में बड़ा दलील हुआ मैं? नहीं यार, अल्लाह माफ करे, उपटन की रस्म नहीं होती। हाँ? उपटन की रस्म हुई है। हाँ? मैं लड़कियों में उपटन लगवाने गया हूँ। हाँ? अचानक लाइट चली गई। फिर अबे लड़कियों ने उपटन की जगह गिरीश लगा दी। मैंने बोला भाई गिरीश क्यों लगानी, मैं क्या फंस फंस के चलता हूँ क्या? सेराबंदी में तो कोई मसला नहीं हुआ ना? सेराबंदी में गली लूँ कैसे? सेरा बांधकर मैं बाहर निकला। हाँ? अम्मा ने गली में कुर्सी रख दी। हाय मेरे बच्चे, इसमें बैठ जा। मैं गली में कुर्सी में बैठा। हाँ? किसी जलील आदमी ने अपना बकरा खोल दिया। अबे एक मिनट में पूरा सेरा खा गया बकरा, खाली धागे रह गए यूं करके, और धागे के पीछे मेरा मुंह ऐसा लग रहा है जैसे पिंजरे में डायनासोर। चलो रुखसती तो हो गई ना? रुखसती में गली लूँ कैसे? रात के 3:30 बजे सुसर फैल गए। क्यों? मैं अपनी बच्ची की रुखसती नहीं कर रहा भाई। अरे मैंने बोला क्या हो गया? बोला बताओ मेरी बेटी की शादी, मुझे बोतल नहीं मिली। अबे मैंने बोला 2:30 बजे मुझे बता देते, पूरी लीटर वाली पिला देता यार। चलो भाभी तो घर पे आ गई ना? वहाँ भी दलील हुआ। कैसे? तेरी भाभी के कमरे में गया। हाँ? मैंने घूंघट उठाया। हाँ? मुझे देखकर क्या बोल रही है? क्या ये क्या करो बेटे, चलो बात चल। मैं भी अम्मी बोल के बाहर आ गया। वैसे यार इन सब बातों को छोड़ो, तुम्हें कुछ खबरी सुनानी थी। किस बात की? अगले हफ्ते मेरी भी शादी हो रही है। कसम खुदा की। हाँ यार। अबे कौन है वो अंधी लड़की? हाँ। जिसके नसीब में ये अजाब आने वाला है? यार क्या हो गया, खूबसूरत आदमी हो। अल्लाह माफ करे, अपना मुंह देख, ऐसा लगता है फटे हुए मोजे में से अंगूठा बाहर निकला हुआ है। हाँ। यार ऐसी बातें नहीं करो, गौर से देखो, तुम्हारा भाई लगता नहीं है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन नहीं, उसका बाप राकेश रोशन। एक बार तेरे सर में पंखा लगा दो, हेलीकॉप्टर बन जाएगा। यार ये बातें नहीं करो। हाँ। यार मेरी शादी हो रही है। हाँ। मैं तुमसे मशवरा मांग रहा हूँ। बोल बोल। यार मुझे बताओ, मैं शादी वाले दिन जब कमरे में जाऊँ तो जाती तुम्हारी भाभी को सलाम करूँ ना? मैं सलाम क्यों करेगा, मजाक में जा रहे हैं क्या? तेरे मुर्शिद की बेटी है वो। अरे घूंघट उठाओ, जाके जो काम है। नहीं यार मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही कमरे में जाऊँ तो मुझे देखते ही रोक में आ जाए। जाते ही नाक पे मुक्का मारियो। अब खुद ही समझ जाएगी कोई दरिंदा आ गया भाई वैसी। नहीं यार मैं चाहता हूँ कि उसको कोई ऐसी चीज दूँ कि वो खुश हो जाए। तो मेरा मोबाइल नंबर दे दे। अबे तो क्या भाभी बात नहीं करेगी, घूंगी है क्या? नहीं यार मैं चाहता हूँ कि उससे कोई ऐसी बात करूँ कि वो हैरान रह जाए। जाते तलाक दे दियो यार। मैं शादी नहीं करा। नहीं कर, शादी के बाद बच्चे हो जाते भाई। इसमें हैरत की क्या बात है, बच्चे ही होते, कोई पपीते होते क्या? अच्छे करी नहीं रहा शादी यार। नहीं कर शादी यार, मेरी कजन भी नहीं करी। मेरे से मिला दे। हाँ। नहीं उसको मशवरा देंगे यार। नहीं यार उसका आइडिया ले। क्या? वो कहती है मैं किसी शरीफ आदमी से शादी करूँ। मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ। कैसे? कभी हमारे घर में आके देखो। हाँ? हर कमरे में मस्जिद के पंखे लगे हुए। मैंने खुद देखे, जुम्मे वाले दिन हफ्ते वाले दिन नहीं थे। नहीं यार मैं उसकी शादी करूंगा किसी बहादुर आदमी। मैं बहुत बहादुर आदमी हूँ। कैसे? 80 किलो वजन अकेला उठाता हूँ। 80 किलो वजन अकेले उठा लेते हो? कैसे? 1-1 किलो करके। अबे एक साथ क्यों नहीं उठाते? अबे एक साथ उठाऊंगा, नाफ भी उतर जाएगी पागल। नहीं यार मैं उसकी शादी कराऊंगा किसी शिकारी से। मैं बहुत बड़ा शिकारी। कैसे? कल की बात है मैं जंगल में गया हूँ। हाँ? मेरे सामने शेर। हाँ? शेर ने मुझे देखा, मैंने शेर को देखा। हाँ? शेर आगे बढ़ा, मैं भी आगे बढ़ा। हाँ? शेर ने पंजे निकाले, मैंने भी पंजे निकाले। हाँ? शेर ने मेरे पे छलांग लगाई। हाँ? मैंने रिमोट उठा के चेहरे ली बदल दिया। अबे तो फिर मैं अपनी कजन का क्या करूँ? कुछ भी नहीं, खुद ब खुद भाग जाएगी दफा कर। हाँ ये मेरा मतलब नसीब अच्छा होगा तो हो जाएगी। मैंने बोला अब्बा जो मरा है उसको पिलाओ। कल तो छत पे चढ़ गए। क्यों? अबे घर की छत पे चढ़ के हवाई जहाज को पत्थर मार रहे। अरे मैंने बोला अब्बा हवाई जहाज को पत्थर क्यों मार रहे? तो बोला तेरी अम्मी पे
लाइटें मार रहा है। कल रात के चावल बच गए। मैं जा रहा था काम पर। मैंने अब्बा को बोला ये मुर्गी को खिला देना। अच्छा वापसी आया कुत्ते को खिला रहे। मैंने अब्बा कुत्ते को क्यों खिला रहे हो, मुर्गी को क्यों नहीं खिला रहे? बोला बेटा मुर्गी कुत्ते के पेट में है। यार यही उल्टी सीधे करते हो, हरकतें करते हो बाप बेटे। ये बताओ डॉक्टर ने क्लिनिक पे क्या बताया? मैं बड़े बेवकूफ डॉक्टर है यार। कैसे? दांत में दर्द हो गया, मैं डॉक्टर के पास गया। मैंने बोला भाईजान दांत में दर्द। बोला भाईजान आपके दांत में लगा हुआ कीड़ा। एक हफ्ते तक आप मिठाई मत खाना। अच्छा चाय पापे खाओ। अच्छा मैंने आज खाली चाय पी, सीन हो गया। क्या कीड़ा मुंह में से निकल के पूछ रहा है भाईजान पापे नहीं है क्या? हंसी निकल गई मेरी। यार आज तक कोई नेकी का काम किया तुमने? अबे अभी एक अंधी औरत को सड़क क्रॉस कराई, गालियां पड़ी। यार जब तुमने सड़क क्रॉस कराई तो क्यों गालियां पड़ी? वो खेलने की पागल के बच्चे बड़ी मुश्किल से इधर आई थी, वापस इधर लिया। मैंने भी उठा के दरिया में फेंक दिया। दरिया में क्यों? हमारी अम्मी बोलती है नेकी कर दरिया में डाल। देखना खाला को मगरमच्छ खाएगी। मगरमच्छ होती है ना वो खाएगी। वैसे यार तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती होती है। अल्लाह करवाता भाई, मैं तो वसीला हूँ। अभी मेरे साथ दुबई में गए, वहाँ एयरपोर्ट पे उतरे, टॉयलेट को देख के बोले यार पीसीओ तो बड़ा अच्छा बना है। ये मुझसे बड़ा जाहिल। टॉयलेट में गया, फिनाइल की गोलियां पड़ी थी, चिंगम समझ के खा गया। इतने पागल है, जहाज में बैठे पायलट ने आके एयरपोर्ट लगाया तो उसको बोले बहुत अच्छे पैसे हमने खर्च किए, गाने तू सुनता हो जाएगा। ये भी पायलट से दलील हुआ। पायलट को जाके बोल रहा है भाईजान आगे रश बोलो का पीछे वाली गली से ले लो। इतने पागल आदमी है, एक जगह अरबी लिखी हुई उसको चूम में एक बड़े मियाँ ने रख के तपा मारा और कहने लगे पागल के बच्चे बेतुल खिला लिखा हुआ है। ये भी मुझसे बड़ा जाहिल। दो अरबी आपस में एक दूसरे को गालियां बक रहे, ये खड़ा होकर बोल रहा है आमीन आमीन आमीन। और कहा दलील करवाया? अबे हर जगह दलील करवाया। कहा अल्लाह माफ करे, कल अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर ने बोला इनका टेस्ट होगा तो बोल रहा उम्र ज्यादा है वनडे करा लो। अब्दुल्ला शाह गाजी की मजार पे गए, दुनिया ज़ियारत को चूम रही है, एक मलम को चूम रहा है। मैंने बोला भाई इसको क्यों चूम रहा है? तो बोल रहा चुप कर जा, लंगर यही बांटेगा। पड़ोस की मुर्गी ने दो अंडे दिए, मुर्गी को समझा रहा है बहुत अच्छे डबल सिम डलवाई है, बताया भी नहीं। एक आदमी के सर में गोली लगी वो मर गया, सारी दुनिया रो रही है, जाहिल बोल रहा है शुक्र करो आंख बच गई। बर्फ वाले की दुकान में क्या बर्फ में से धुआं निकल रहा, तो उसको बोल रहा है बहुत अच्छे भाई सबको ठंडी दे दी मुझे गर्म दे दी। हुकूमत ने ऐलान किया पुरानी चीजों को खूबसूरत बना, अपनी अम्मी पे चूना कर दिया। वैसे मैं भी तुम्हें जानता हूँ। कैसे? तुम टीवी में आते हो ना? पता नहीं यार उस वक्त मैं सोया होता हूँ यार। नहीं नहीं मैंने तुम्हें देखा। अपने छोटे भाई की नेकर मुंह पे पहन के आके मुझे बोल रहा है स्पाइडरमैन आ गया। नहीं ना कि मैंने तुम्हें टीवी पे देखा। हाँ। तुम टीवी पे आते हो, तुम दो होते हो। अच्छा तुम उड़ते हुए आते हो और अपने साथी को कहते हो क्या उस्ताद इस घर में नहीं जाएंगे, यहाँ मैट जल रहा है। मैंने तुम अंग्रेजी फिल्म में भी देखा। अच्छा अंग्रेजी फिल्म शुरू होती है, घोड़े पे बंदा आता है, गोली चली, ढसा बंदा नीचे गिरा तो ऊपर से आता है। कल ये भी मस्जिद में दलील हुआ, मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने गया, मौलवी साहब बोल रहे हैं ये जो लड़कियां मेकअप करती है बेशरम है, जो बाजारों में घूमती है बेशरम है, जो सर पे दुपट्टा नहीं लेती बेशरम है। खड़ा होकर बोल रहा है भाईजान आपको नमाज पढ़ानी पड़ा, मेरी बहनों के पीछे क्यों पड़ गए यार? नहीं भाई मैं आपसे जीत ही नहीं सकता। जीत नहीं सकता? वैसे यार तुम आदमी अकलमंद हो, मेरे चंद सवालों के जवाब दोगे? मैं तो अपने अब्बा को जवाब देता हूँ। क्या मतलब? कल मेरे अब्बा ने बोला भाईजान एक गिलास पानी पिला, मैंने भाई अल्लाह ने पाऊंगे खुद उठ के पियो। बाप हो तो क्या बदमाशी करोगे? नहीं मेरा आपसे पहला सवाल, मुझे ये बताओ दुनिया में मर्द खूबसूरत है या औरत? अबे चल बे औरत की काय की खूबसूरती, क्या मतलब सारा ब्यूटी पार्लर का कमाल है? यकीन नहीं आता एक एक लोटा पानी का डाल के कभी सारी बिल बतोड़िया के माफ करे। अरे औरतों को इतना बुरा कह रहे हो तो मर्द क्या? ये देख कुदरती ब्यूटी सामने बैठे हुए, ये देख पीछे माशाल्लाह एक से एक पड़ा हुआ है यहाँ पे। मर्द का तो कोई खर्चा भी नहीं है। कैसे? 25 रुपए का रेजर पहले करे चन, दूसरा करे चुन, चके चके चके। मेरा दूसरा सवाल। हाँ बोल बोल। अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी फुल। मुझे ये बताओ अंग्रेजी में भैंस को क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में भैंस को? हाँ अंग्रेजी में भैंस को बोलेंगे दिस इज ए मिल्क पैक मम्मी। भाईजान मैं अपनी इंग्लिश बोलता हूँ, मैं अंग्रेजों की नकल नहीं करता, अपने घर की बनी हुई बोलते हैं फ्रेश। मेरा आपसे तीसरा सवाल। हाँ बोल बोल। मुझे ये बताओ इंसान और गधे में क्या फर्क है? अबे बहुत फर्क है। क्या? ये जितने भी लोग बैठे हैं सारे इंसान हैं। हाँ मैंने कुछ नहीं बोला, पब्लिक समझदार है, पब्लिक जानवर बेशांति है। मेरा आपसे आखिरी सवाल। उसके बाद मर जाएगा क्या? हाँ
मैंने तेरे सवाल के जवाब दिया ना जी, अब सोच समझ के मेरे सवालों का जवाब दे। पूछो, सोच समझ के जवाब देना जी। पहला सवाल, हाथी अंडे देता है बच्चे? बच्चे जाहिल के बच्चे, हाथी कुछ नहीं देता, हथनी देती है। दूसरे सवाल का जवाब दे। पूछो, दुनिया में वो कौन सा जानवर है जिसके दांत नहीं है? पता नहीं, तेरे दादा। तीसरे सवाल का जवाब दे। पूछो, प्याले में दूध पी लेता है? पी लेता है, कौन सी बड़ी बात है, कुत्ता भी पी लेता है। चौथे सवाल का जवाब दे। पूछो, खूबसूरत चीज को ऊपर रखते नीचे रखते? ऊपर रखते। तो पागल के बच्चे, जूते ऊपर रख, मुंह को नीचे रख। वैसे एक बात है, क्या तेरा मुंह जूसर मशीन के काम आ सकता है? कैसे? तेरे मुंह में किन्नू देके सर दबाओ, नाक में से जूस निकलेगा। ताइवान खेल दे तेरा यार, आपको पता नहीं है मैं मशहूर होना चाहता हूँ। एक मिनट में हो जाएगा। कैसे? सर पे एम्बुलेंस की बत्ती लगा ले। गोली बातों को छोड़ो, छोड़ दिया यार। मैंने सुना आजकल आप शायरी करे। शायरी बड़ी अच्छी कर रहा हूँ यार, कोई शेरी सुना दो। शेरस के आदमी शेरस के हालांकि अदब से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अदबी शेरस क्या है कि मैं बेखौफ आसमानों पे जा रहा था, मैं बेखौफ हवाओं में उड़ रहा था, मैं बेखौफ आसमानों पे जा रहा था, मैं बेखौफ हवाओं में उड़ रहा था। आगे भी तो बोलो। आगे क्या बोलूं, हवा रुक गई, मैं गिर गया। यार अब पब्लिक के लिए कोई शेर हो जाए। बड़ा अच्छा शेर अर्ज किया। आखिरी शेर है, उसके बाद इजाजत। ठीक है, ठीक है। अर्ज किया, अगर अच्छा लगे तालियां भरपूर बजाएगा। अर्ज क्या है कि दिल तोड़ने वाला दिल के दर्द को क्या जाने। अरे दिल तोड़ने वाला दिल के दर्द को क्या जाने, इश्क के रस्म और रिवाज जमाना क्या जाने, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है, 5 रुपए के फूल डालने वाला क्या जाने। थैंक यू।